मम्मीकरण मृत्यु के बाद शरीर के मांस को सुखाकर या लेप लगाकर उसे संभाल कर रखने की प्रक्रिया है। मम्मी शब्द फारसी अरबी शब्द मुमिया से आया है, जिसका अर्थ है तार या कौलतार। प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण में निम्नलिखित चरण शामिल है। नंबर एक, शरीर तैयार करें। मृत्यु के बाद मस्तिष्क को हटा दिया जाता है और हृदय को छोड़कर आंतरिक अंगों को निकाल लेते हैं। नंबर दो, शरीर को सुखाए। शरीर से फ्लूड पार्ट्स को निकाल लेते हैं और इसे 70 दिनों के लिए नेट्रान नामक से ढक दिया जाता है। नंबर तीन, शरीर को पुनः स्थापित करें। 40 दिनों के बाद शरीर के भीतरी भाग को शराब और मसालों से धोया जाता है और इसे सनी या रेत से भर देते हैं। नंबर चार, शरीर को लपेटे। 70 दिनों के बाद शरीर को सिर से पैर तक पट्टियों में लपेट देते हैं। उसके बाद शरीर को सजाकर ताबूत में रख दिया जाता है। मम्मीकरण अनजाने में ये गलती से भी हो सकता है, जिसे प्राकृतिक मम्मीकरण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए 1991 में इटालियन आल्प्स में खोजा गया ऑजिद आइसमैन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मियों में से एक है। प्राचीन मिश्र वासियों ने 2600 ईसा पूर्व ये तकनीक शुरू की थी। जनवरी 2023 में मिश्र ने काहिरा जगह के पास सकारा कब्रिस्तान में मम्मियों और मूर्तियों वाले 250 ताबूतों की खोज की। कुछ लोगों का अनुमान है कि प्राचीन मिस्र में 3000 से अधिक वर्षों की अवधि में 70 मिलियन मम्मियां बनाई गई थी। मिस्र में 10 लाख से अधिक जानवरों की मम्मियां पाई गई है, जिनमें पवित्र 20 और बिल्लियां भी शामिल है। और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इनमें से कुछ मम्मियां 400 और 250 ईसा पूर्व के बीच की है। प्राकृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक कलाकृतियों के परिणाम स्वरूप मम्मियां हर दूसरे महाद्वीप पर भी पाई गई है। उदाहरण के लिए संग तेंजिन एक बौद्ध भिक्षु जिसने स्पीति घाटी में खुद को मम्मी बना लिया था, एक प्रसिद्ध भारतीय मम्मी है। इंटरनेट के अनुसार ये भी कहा जाता है कि आज भी इजिप्ट के लोग मम्मी की पूजा करते हैं। क्या इजिप्ट में आज भी मम्मी मौजूद है? जी हाँ, मिस्र में अभी भी मम्मियाँ हैं, जिनमें काहिरा में मिस्र की सभ्यता के राष्ट्रीय संग्रहालय में रॉयल मम्मी हॉल भी शामिल है, जिसमें प्राचीन मिस्र के राजाओं और रानियों की मम्मियाँ हैं। इसमें फिरौन रामेसेस द्वितीय की मम्मी भी है, जिसे 1881 में खोजा गया था और इसकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है। मिस्र में मम्मीकरण धीरे धीरे 4वीं शताब्दी में खत्म हो गया, जब रोम ने मिस्र पर शासन किया और ईसाई धर्म के आगमन के साथ बंद हो गया। आज बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर मम्मीकरण एक खोई हुई कला है।